वापस और आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। आज क्या सीखें, हैंडमेड ज्वेलरी इतनी खूबसूरत है, आज आपको सिखाएंगी हमारे साथ जो आर्टिस्ट है। और आप यकीन ही नहीं कर सकते ये सारी ज्वेलरी देख के कि ये सारी ज्वेलरी है हैंडमेड बाय रबिया असरार सिद्दीकी, जिनका पेज भी है राबी हैंडमेड एक्सेसरीज के नाम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। राबिया, आप यहाँ पे जरा ये जो सारी चीजें हैं, सबसे पहले तो ये बताइए सब कुछ हैंडमेड है? ये सारी चीजें 100% हैंडमेड है, ये मैं खुद डिजाइन करती हूँ और मैं खुद बनाती हूँ। वाओ, आपको पता है आज रबिया हमें ये बनाना सिखाएंगी दीज इयररिंग्स, जो कि मैं ऑनेस्टली मैं अभी तक यकीन नहीं कर पा रही कि दीज आर हैंडमेड, बिकॉज वाओ ये बिल्कुल ऐसी चीज है जो हमें बनी बनाई मिलती है। बिल्कुल वाओ, जबरदस्त। अच्छा, आपके पेज से जब कोई ऑर्डर प्लेस करता है तो कस्टमाइज कुछ करा सकता है? आप हर चीज कस्टमाइज करा सकते हैं, मतलब सिंस हम लोग डिजाइन खुद बना रहे होते हैं, आपने कुछ किसी डिजाइन को अपनी मर्जी से चेंज करना है, कलर्स चेंज करने हैं, अपने पास से कुछ एड ऑन कराना है, आप सब कुछ करवा सकते हैं। ठीक है, जबरदस्त। वेल, जो ये इयररिंग्स बनाना सिखाएंगी, ये आपके पास एक माला है जिसमें से मुझे लगता है आप ये इयररिंग्स कुछ इसके साथ मैचिंग की है, और आपके पास कुछ बीड्स हैं उसकी मदद से बनाना सिखाएंगी। अच्छा, इससे पहले कि यहाँ पे रबिया ये बनाना आपको सिखाएं, मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि हमारी ऑडियंस को पता हो कि क्या बनने वाला है। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ यहाँ पे ये खूबसूरत से बैंगल्स जो कि आप देख सकते हैं, ये सारे के सारे हैंडमेड हैं, राइट? सारे हैंडमेड है। वाह वाह, अच्छा जो फिनेस है ना रबिया आपके काम की, उससे नहीं लगता कि हैंडमेड है। थैंक यू सो मच। अब वो फिनेस हम देखने वाले हैं लाइव अभी, तो आ जाइए रबिया, स्टार्ट कर दीजिए काम। थैंक यू। एंड आई थिंक वही फिनेस होती है जो आपके काम को अलग करती है, क्योंकि काम बहुत सारे लोग कर रहे हैं लेकिन छोटी छोटी बातें होती हैं, आप उसका ध्यान रख के अगर काम करोगे ना तो आपका काम हमेशा ही अच्छा होगा। ठीक है, आज हम छोटी छोटी बातें सीखेंगे। एग्जैक्टली, अब सिंपली जैसे ये वाले इयररिंग्स बनाने, इसमें सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है, हमारे पास ये इस तरह के बीट्स, आई एम नॉट श्योर अगर कैमरा इसको पिक कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, आप यहीं पे रखिएगा, कैमरा बिल्कुल इसको पिक कर सकता है, हमारा कैमरा बहुत स्मार्ट है। इस तरह के ये छोटे बीट्स हैं, ठीक है, ये 4 नंबर का पर्ल कहलाता है, जिससे अभी हम स्टार्ट करने वाले। 4 नंबर का पर्ल, ये 4 नंबर का पर्ल कहलाता है, इसके लिए हमें ये चाहिए, प्लस ये लॉरियल वायर कहलाती है, प्लस बीड वायर भी इसको कहते हैं। इसके दोनों साइड पे ना इस तरह से बीडिंग हुई भी होती है। अच्छा, दोनों साइड पे भी दोनों साइड पे बीडिंग हुई भी होती है, ये इसलिए होता है कि अगर आप कोई बीड इसमें डालें तो ये होल्ड कर सके। मैं ये दिखाना चाहूंगी, मैं यहाँ पे जरा रखती हूँ कि कैमरा इसको जूम कर ले, जिसको ये कह रही है लॉरियल वायर, और दूसरा नाम आपने क्या बताया था? बीड वायर। बीड वायर, बीडिंग वायर, बीडिंग वायर दोनों साइड पे जो है ना उसके बीच। ये हर ज्वेलरी में जिस तरह से ये मोती लगे हुए है ना, ये इसी वायर की मदद से लगते हैं। ठीक है, तो मैंने सिंपली यहाँ पे सबसे पहले ये 2 वायर्स लिए हैं, ये 2 वायर्स लिए हैं, वायर्स लेके मैंने इसको बीच में से कट कर दिया। सही है, कट कर दिया ताकि मेरे पास ये ओपनिंग बन गई है। ठीक है, अब जो वायर मैंने इसको कट किया है ना, ये मैं एक वायर लूंगी और एक मोती लूंगी। ठीक है, इसको मैंने इसमें डाला, 4 नंबर वाला जो मैंने बताया, 4 नंबर फोर नंबर का पर्ल जो था, इसको मैंने इस तरह से इसमें डाला। अब यहाँ पे ना कोई भी आप पतली सी चीज ले लें, आप कोई पैन की निब ले लें, कोई टूथपिक ले लें, कुछ भी ले लें, मेरे पास फिलहाल अभी प्लायर है, ठीक है, तो मैं इसी की निप पे कर रही हूँ। यहाँ पे आपने इसको बिल्कुल जहाँ से आपने पर्ल डाला था ना, आपने बिल्कुल पर्ल के ऊपर इसको रखना है। ठीक है, सही है, और जो एक्स्ट्रा आपकी वायर है इसको आपने ऐसे घुमा के लूप बना देना, लूप बना देना, एंड देन यू हैव टू पिक योर वायर वेरी केयरफुली अपने मोती के साथ, और इसको पकड़ के आपने गोल घुमा देना। ओके, इसको पकड़ के आप जब गोल, सॉरी ये थोड़ा सा वायर जो है ना, ठीक है। अच्छा, ये प्रोसेस बड़ा गौर से देखने वाला है, बिकॉज ऑफ कोर्स रबिया को तो इतनी ज्यादा प्रैक्टिस है, लेकिन हम जरा इनको बोलेंगे आहिस्ता आहिस्ता करके दिखाया था कैमरे से। मैं दोबारा कहती हूँ, ये मैंने एक वायर लिया था, इसमें मैंने ये मोती डाला, ठीक है, ये मोती डाल के कोई भी आप जो है ना, ये कहते हैं स्मॉल पॉइंटेड ऑब्जेक्ट कुछ भी ले लें, आप पेन की निब पे बना लें, ठीक है, या किसी पेन पे बना लें, आप इसको इस तरह से यहाँ से इसे मिला के रखें, सही मिला के रखें, और इसके ऊपर से वायर गुजार के ऐसे मोती पे रैप कर दें, सही रैप कर दें, और उसके बाद आपने इसको अच्छे से ट्विस्ट कर देना, ठीक है, ताकि ये लॉक हो जाए और इसमें ये छोटा सा लूप इस तरह से क्रिएट हो जाए। जबरदस्त, ठीक है, वेरी वेरी क्रूशियल स्टेप। और ये पूरा जो ये यूज हुआ है इसमें कहाँ, ये नीचे वाले में, ये सारे जो ये बीट्स ये आपको ये इसमें लगे हुए हैं ना, ये सारे इसी तरह से क्रिएट, ठीक है, और फिर मेरे पास जो एक्स्ट्रा वायर यहाँ पे बचा है उसको मैं नेल कटर लेके, ठीक है, या कोई और कटर लेके बहुत केयरफुली बिल्कुल एंड से काट दो, कट कर दो। अच्छा, ये आपने एंड से कट कर दिया, और ये जो आपने
ये देखिए इन्होंने ये जो एक राउंड चीज बनाई है जिसमें एक्चुअली मैं इस तरह से प्लेस करती हूँ कि आपको दिख जाए यहाँ पे काउंटर पे हम रख सकते हैं। हम अगर इस ब्राउन वाले पे रखते हैं ताकि आपको यहाँ पे दिखाई दे। एग्जैक्टली बहुत छोटा सा लूप उसमें बन जाएगा एंड मेक श्योर कि जितनी भी एक्स्ट्रा वायर निकल रही है आप उसको बिल्कुल कॉर्नर से काट कर, ठीक है? अदरवाइज होगा कि अगर वो रह जाएगी ना जब आप पहनेंगे आपको चुभेगी। ओके, ये वो सफाई वाली वो टिप्स एंड ट्रिक्स थी जो आप बता रही हैं। बिल्कुल, ये वो वाला पॉइंट सही है। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। इस तरह से करके हम बहुत सारे इस तरह से पर्ल्स बना लेते हैं। मैं ऑलरेडी बना के लाई हूँ जो मैंने बनाए हुए हैं। उसके बाद हमारे पास ये आई पिन होती है ना, ये हमारे पास आई पिन कहलाती है। ये पिन होती है नॉर्मली, इसके एंड पे छोटा सा ये लूप होता है, ठीक है? छोटी सी इस तरह से ये राउंड लूप होती है, ठीक है? ये मिल जाती है ज्वेलरी मेकिंग स्टोर्स वगैरह पे आराम से। नॉर्मल नीडल से ज्यादा बड़ी एक जो है ना वो बीच में एक आई, इसलिए शायद इसका नाम आई है। आई है, एग्जैक्ट। इसमें डिफरेंट साइजेस आते हैं, लाइक इसमें 1 इंच, हाफ, 1.5 इंच। अभी जो मैं यूज कर रही हूँ 1.5 इंच, ये 1.5 इंच मैं यूज कर रही हूँ। मैंने प्लायर लिया, प्लायर से पकड़ के इसका जो लूप था ना आप धीरे से पकड़ के बस इसको हल्का सा खोल देंगे। सही, खोल देंगे। खोल के मैंने एक ये मेरा जो है ना 4 mm वाला बीट लिया है मैंने और इसका लूप मैंने इसमें डाल दिया। सही, डाल दिया और इसको वापस पकड़ के ना बहुत ही क्लोजली बंद कर दिया। अमेजिंग, आज घर के सारे प्लायर्स गायब होने वाले हैं। सारी चीज़ें लेके आए और टूल बॉक्स का फायदा उठाए। इतने कह रही अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपने इसको बिल्कुल क्लोजली बंद करना है क्योंकि ये जिस वायर में हमने ये पर्ल डाला है नहीं इतना पतला है कि अगर ये थोड़ा सा भी खुला होगा इसमें से गिर जाएगा। सही है, ठीक है, इसमें से गिर जाएगा। आपने इसको बहुत क्लोजली जो है ना बंद करना। बंद करने के बाद मैंने ये इस तरह से एक छोटा सा जो है ना ये कहते हैं यहाँ पे हैंगिंग आ गया है। ओके, हैंगिंग आ गया। उसके बाद मैंने किया यहाँ पे एक ये फिरोजा बीट्स है, ठीक है? सेमी प्रीशियस बीट्स होते हैं, इस मार्केट में बहुत आराम से मिल जाते हैं। बहुत डिफरेंट कलर्स में भी मिल जाते हैं, आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। इसको मैंने डाला इसमें, ठीक है, इस तरह से। ओके, इस तरह से, ठीक है। और फिर मेरे पास यहाँ पे जो ये एक्स्ट्रा वायर बच गई है, मुझे जनरली जितना बीट है ना इतनी ही वायर ऊपर चाहिए होगी इसका एक और लूप बनाने के लिए, ठीक है? तो उससे ज़्यादा अगर मुझे लग रहा होगा एक्स्ट्रा है तो मैं इसको यहाँ पे कट कर दूँ। ओके, सही है। कोई एक्स्ट्रा वायर नज़र इसलिए नहीं आ रही कि बिल्कुल उसी साइज़ की है जो बीट का साइज़। बिल्कुल, जितना बीट है अप्रॉक्सीमेटली मुझे इतना ही साइज़ चाहिए। या आप अंदाजन करना चाहें तो आप एक उंगल का या आधे उंगल का जो है ना वायरस में आप ले लें। अब फिर इसका जैसे लूप इसमें यहाँ पे बना हुआ था ना, ये तो ऑलरेडी बना हुआ था, सही? हमें ऐसे ही लूप इसमें यहाँ पे भी बनाना है। ये कैसे होगा भैया? ताकि हम आगे इसको जो है ना चेन क्रिएट कर सकें। तो ये मैं बनाना आपको बता रही हूँ, बहुत सिंपल है। ये वायर जो सीधा है ना, आपने बीट को इस तरह से पकड़ा और इस वायर को पूरा 90 डिग्री टर्न दे देंगे। ओके, ठीक है, 90 डिग्री आपने फर्स्ट टर्न दे दिया पूरे वायर को बिल्कुल एंड से पकड़ के। फिर इस वायर को आपने सेंटर से पकड़ा एंड अगेन 45 डिग्री टर्न दे दिया। तो मैथ चल रही है, फुल मैथ चल रही है यहाँ पे जी। 45 डिग्री टर्न दे दिया, ये अंदाजे से थोड़ा सा उसको मोड़ दें, मैं सिर्फ अंदाजा बताने के लिए आगे बता। फिर आपने इसको बिल्कुल कॉर्नर से आपने इसको पकड़ा, ठीक है, और आप इसको ऐसे गोल घुमाते हुए ना आप ऊपर ले आइए। ये देखिए इस तरह से ये लूप बन जाएगा और जब लूप बन जाए तो आप इसको पकड़ के दोनों साइड से ऐसे क्लोज कर दें। अमेजिंग। अच्छा, आप जब कह रही थी ना कि मैं बीट जितनी जगह रखूंगी, मुझे लगा बीट के लिए वो जगह रखेंगी। दैट वाज अ टिप कि बीट जितनी जगह रखे ताकि ये इसका साइज ऑलमोस्ट जितना साइज इसका था ना जो रेडीमेड वाले का था उतना ही साइज इसका होना चाहिए। ओह रबिया, इसमें कितनी मेहनत, कितनी प्रिसिशन रिक्वायर्ड है। हैट्स ऑफ टू हर भाई, थैंक यू। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, ये हमने काम करते करते सीखी हैं, लेकिन जब हम लोग सिखा रहे होते हैं तो हम पहले से बता रहे होते हैं कि आप इन चीज़ों का ख्याल रखोगे ना तो आपकी काम में नीटनेस, ठीक है? सही है, ठीक है। तो अब ये इस तरह से मेरे पास ये एक हैंगिंग बन गई है जो मेरी, अगर यहाँ पे आप इयररिंग देखें, हाँ, तो ये स्टार्ट फर्स्ट यहाँ से हो रहा है, यहाँ तक की मेरी हैंगिंग, सॉरी, तो कह रही हूँ इसको मैं हटा दूँ, तो यहाँ तक की ये हैंगिंग मेरी बन गई है। अब इसके ऊपर मैंने ये वाला पार्ट बनाना है, तो इस पार्ट के लिए मैंने एक और आई पिन ली, ठीक है, मैंने एक और आई पिन ली। एक आई पिन लेके मैंने अगेन इसको रिंग खोल लिया, लूप खोल लिया, लूप खोला, तो उसमें जो मैंने ये वाला बनाया था मैंने इसको इस लूप के अंदर डाल दिया। सही, डाल के वापस दोबारा बंद कर दिया एंड अगेन वेरी केयरफुली आपने बिल्कुल टाइटली इसको बंद करना। सही, फिर मैंने एक ये नॉर्मल 4 नंबर का पर्ल लिया है, 4 नंबर का पर्ल लेके मैंने इसके अंदर
इस तरह से डाल दिया। ठीक है, उसके बाद में अब जो ये हमने लूप वाले पर्ल्स बनाए थे, ज्वेलरी की लैंग्वेज में लॉरियल कहते हैं। ओके, तो जो बेसिकली जो एक्चुअली काम करने वाले जो सुनार और ये चांदी का काम करने वाले लोग होते हैं उसको लॉरियल कहते हैं। क्या बात है। तो ये लॉरियल बीट्स मैं लूंगी और ये मैं काउंट करके 12 बीट्स इसमें डाल दूंगी। ठीक है, 1 2। अच्छा, बड़ी प्रिसिशन 12 बीड्स ये इसमें ऐड करनी ताकि एग्जैक्टली वही लोग आए जो यहाँ पे आप काउंट करके डालेंगे ना, तो आप जितने भी बना लेंगे आपके सेम बनेंगे। अगर आप ये काउंट नहीं करेंगे और आप अंदाजे से बनाएंगे, कभी आपका अंदाजा बिल्कुल सही होगा, कभी नहीं भी होगा। ये तो मुझे अंदाजा नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि ये ज्वेलरी मेकिंग जो है ना, दिस इज लाइक बेकिंग, प्रिसिशन। भी मुझे पता चला है कि रबिया एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और ये काम एज अ पैशन करती है, व्हिच इज अमेजिंग। इनके हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए कि हस्बैंड कितने सपोर्टिव हैं और साथ-साथ। नहीं, डेफिनेटली अल्हम्दुलिल्लाह, हस्बैंड की तरफ से भी, मेरी फैमिली, आई वुड से मेरी दोनों फैमिलीज की तरफ से मुझे सपोर्ट है, एनकरेजमेंट है, तभी फिर मैं यहां पे खड़ी हूं, अदरवाइज दैट वुडंट हैव बीन पॉसिबल। अमेजिंग, अमेजिंग जी रबिया, अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो कंटिन्यू करें। हमने यहां पे 12 लॉरियल इसमें डाल लिए थे, डाल के मैंने पकड़ लिया था। अब इसके ऊपर से मैं प्लेन जो है ना 4 mm का पर्ल लूंगी दोबारा से और मैं इसमें डाल दूंगी, जस्ट टू लॉक देम इन द प्लेस। अगर मैं ये नहीं डालूंगी तो ये लॉक कभी भी नहीं होंगे, ये हमेशा मूव करते हैं। ठीक है, ठीक है। लॉक करके मैंने अगेन जितना वायर मेरे पास बचा था मैंने दोबारा इसमें लूप बनाना है। लूप बनाने के लिए मैंने बिल्कुल एंड से पकड़ के इसको 90 डिग्रीज पे टर्न कर दिया, देन सेंटर से पकड़ के मैं थोड़ा सा टर्न करूँगी और फिर कॉर्नर से पकड़ के राउंड घुमा देंगे। वाह, इस तरह से करके सही, ठीक है। और फिर इसके ऊपर मैंने एक, आपकी मर्जी है, आपने कोई भी डिज़ाइन बनाना हो, आपने कितना लंबा करना है, छोटा करना है, कम्प्लीटली आपकी चॉइस पे। मैंने जो डिज़ाइन बनाया हुआ था उसमें मैंने इसके ऊपर एक फ्रोज़ा पर्ल और डाला हुआ था। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे डाल दूंगी। डाल के अगेन मैंने एक्स्ट्रा वायर को कट किया, कट करके लूप। वाओ, जब तक रबिया ये कह रही हैं, मैं एक बात आप फोकस करना चाहती हूँ, ये कि बहुत कम लोग इतनी खुशनसीब होती हैं कि वो नौकरी कर रही हैं जिनसे उनको पैसे भी आ रहे हैं, वो उनका पैशन भी हो। अगर आपकी ज़िंदगी में ये वाली एक ब्लेसिंग नहीं है, सो यू कैन डू व्हाट रबिया हैज़ डन, कि जी जो भी आपका पैशन है ना, आप हज़ार बहाने बना सकते हैं कि जी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं कर सकती, बट इफ़ यू रियली वांट टू डू इट, यू विल, ट्रस्ट मी, डेफिनेटली। ठीक है, इसी तरह से जैसे मैंने ये वाला मैंने बनाया था हैंगिंग, ये दो हैंगिंग मैं इसी तरह की घर से बना के लाई थी इसके लिए, तो अब फाइनली हमने इसको असेंबल करना है। असेंबल करने के लिए मैंने वही आई पिन एक बड़े साइज में लिया है, 2 इंच की आई पिन लिया है मैंने। इसके मेरे पास एक लूप बना हुआ है, जो लूप बना हुआ है मैं पहले इसको ओपन करूँगी। ओपन करके मैंने एक हैंगिंग इसमें डाल दी, सही, इसमें डाल दी और इसको मैंने दोबारा बंद कर दिया, सही। ठीक है, बंद करके अब मुझे यहाँ पे जिस तरह मुझे जितनी स्पेस रखनी है ना दोनों हैंगिंग्स के बीच में, मैंने उतने पर्ल्स उसके अंदर डालने हैं। ओके, मुझे जितनी स्पेस रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से मैंने 3 पर्ल्स डाले हुए। ठीक है, मैं देख रही हूँ 3 इस साइड पे और 3 उस साइड पे, तो कहीं 3 पर्ल्स डाले हुए, सही। उसके बाद मैंने फिर यहाँ पे सेंटर वाली जो मेरी हैंगिंग मैंने बनाई थी मैंने वो डाली है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे थर्ड अपनी दोबारा 3 पर्ल्स डालेंगे। ठीक है, ठीक है। और अब मैंने इसको थर्ड हैंगिंग डाल के लॉक करना है, सही। तो मेरे पास अगेन मुझे यहाँ पे लूप चाहिए और लूप से एक्स्ट्रा जो वायर है ना वो मैं कट कर दूँ, सही है, सही है। और यहाँ पे मैं एक 90, 45 degrees और फिर 360 degree कर रहा हूँ। थोड़ा सा खुला छोड़ के मैंने यहाँ पे ये डाला। ठीक है, और दोबारा मैंने इसको लॉक कर दिया। तो ये जो मेरा जो एक वो शैंडलर वाला लुक था, हाँ, वो आ गया। इसके बाद लास्ट हमारे पास इस तरह के लूप्स जो है मार्केट में आराम से मिल जाते हैं। ठीक है, ये इयररिंग लूप कहलाता है, इयररिंग हुक कहलाता है। तो इसमें भी एक इस तरह का ना छोटा सा लूप बना हुआ होता है, सही है। तो अब इस लूप को मैं खोलूंगी, इयररिंग लूप, एग्जैक्टली खोल के मैंने यहाँ पे जो मेरा सेंटर वाला लूप था उसके साथ मैंने इसको डाल देना है। ठीक है,
है, ज़बरदस्त। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपको किस किस्म की दुकानों से मिलती हैं? कोई अगर आप एरिया बताना चाहें कराची में, आप बता सकती हैं? आजकल तो जो है ना, ये कहते हैं यूजुअली क्राफ्टिंग इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई है कि हर एरिया में कोई ना कोई क्राफ्टिंग शॉप ज़रूर होगी। आप थोड़ा सा सर्च करें, आपको मिल जाएगी और आपको वहाँ से मिल जाएगी। इनफैक्ट आप अब तो ऑनलाइन शॉप्स अवेलेबल, ऑनलाइन आप ले सकते हैं। एग्जैक्टली, आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे क्राफ्ट शॉप्स लिख के सर्च करें, आपको काफ़ी सारी क्राफ्ट शॉप्स मिल जाएंगी। तो आपको घर बैठे भी चीज़ें मिल जाएंगी, डोंट हैव टू गो एनीवेयर। अमेजिंग। इस तरह से मैंने इसमें लूप अटैच कर दिया। सही, तो ये अब इयररिंग जो है हमारा कंप्लीट है। वाओ, दिस इज अमेजिंग। कैन यू बिलीव कि ये इयररिंग, जैसे रबिया ने कहा था कि देखिए मैं जो बना कर लेकर आई हूँ ये मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, लिटरली शो में उन्होंने बनाया है। एंड दीज थिंग्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ प्रिसिशन, और इतने कम टाइम में उन्होंने बना के दिखाया। थैंक यू सो मच रबिया। और हम कहते हैं ना कि कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, सो ऐसे ही कामयाब औरत के पीछे जो है वो एक अमेजिंग मर्द का हाथ है। तो मुझे ये बताइए रबिया कि जब आप यू नो यू आर बिजी और चार्टर्ड अकाउंटेंट, जब आप ये कर रही होती हैं, सो वो वक्त इसमें से कुछ बचता है जो फैमिली के लिए हो? हाउ डू यू मैनेज दैट? ये बहुत मुश्किल सवाल है, है ना? नहीं, एग्जैक्टली, ये बहुत मुश्किल सवाल। वक्त देखिए बचता नहीं है, वक्त आपको निकालना पड़ता है। अमेजिंग। आपको जिस चीज़ का शौक होता है ना, आप जैसे तैसे करके उसके लिए टाइम मैनेज कर लेते हो, चाहे वो दिन में एक घंटा हो, दो घंटा हो। आप अपनी फैमिली को टाइम देने के बाद, जॉब को टाइम देने के बाद, अपनी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को टाइम देने के बाद, आप कैसे भी करके आप निकाल ही लेते। अमेजिंग, क्या बात है। अच्छा रबिया, मैं चाहूँगी आप अपने पेज के बारे में दोबारा से बताइए कि जो आपसे हैंडमेड ज्वेलरी परचेज करना चाहता है वो कहाँ से रब्ता करें? हमारे फेसबुक स्टोर है रबि हैंडमेड एक्सेसरीज के नाम से। वी आर अवेलेबल ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी हैं हम, आप वहाँ से हमें ऑर्डर कर सकते हैं बिल्कुल। व्हाट्सएप नंबर भी मेरा आपको वहीं पेज पे से मिल जाएगा, आप चाहें तो व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। प्लस हम हर दो तीन महीने बाद कोई ना कोई इवेंट या किसी न किसी एग्जीबिशन में पार्ट लेते रहते हैं। तो जो लोग चाहते हैं, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि भाई हमें नहीं पता ज्वेलरी कैसी है, पिक्चर में तो ऐसी लग रही है, दिखने में पता नहीं कैसी लग रही हो, तो दे कैन विजिट अस ऑन सम और अदर एग्जीबिशन एज वेल। तो आप पेज पे कनेक्टेड रहें, आपको पता चल जाएगा व्हेन वी आर डूइंग इट। Awesome, amazing, थैंक यू सो मच रबिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और ये वाकई जो आज का हमारा एक टॉपिक था ना, राइजिंग स्टार, मुझे लगता है ये राइजिंग स्टार ये भी है। एब्सोल्युटली, व्हाई नॉट, शी इज एन आर्टिस्ट, शी इज डूइंग वंडरफुल जॉब। जितने भी आपके रिश्तेदार या जाने वाले या फ्रेंड्स बाहर रहते हैं ना, उनको और ज़्यादा कदर होती है हैंडमेड आर्ट की। तो अगर आप उनके लिए कुछ लेना चाहते हैं, हम कहते हैं ना बाहर सब कुछ है, पाकिस्तान से क्या लेके जाओ, हैंडमेड ज्वेलरी बाय हर, दैट वुड बी अमेजिंग। वेल, आज के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह मंडे के दिन एक नए टॉपिक के साथ और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।